नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपकिरण के माप के अंतर्गत चतुर्थक विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने अपकिरण के दो महत्वपूर्ण माप माध्य विचलन और प्रमाप विचलन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और विभिन्न तरह के उदाहरण लेके ये पता लगाया कि ये प्रमाप विचलन और माध्य विचलन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और उनका महत्व क्या है। इस व्याख्यान में हम चतुर्थक विचलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसी भी श्रेणी के चतुर्थक जब ज्ञात किए जाते हैं तो चतुर्थक दो तरह के होते हैं, एक तो प्रथम चतुर्थक Q1 और एक होता है तृतीय चतुर्थक यानी कि Q3। जब Q3 में से Q1 को घटाया जाता है तो इसे कहते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार, अर्थात दोनों चतुर्थकों के बीच में कितना विस्तार है, कितना अंतर है उसे ज्ञात करना हो तो Q3-Q1 के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जिसे अंतर चतुर्थक या अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। जब इस अंतर चतुर्थक विस्तार में दो का भाग दिया जाता है तो इसे अर्ध अंतर चतुर्थक कहते हैं, क्योंकि दोनों चतुर्थकों के बीच जो अंतर है उसका आधा करना अर्थात दो का भाग देना, अर्थात Q3-Q1 तो अंतर चतुर्थक कहलाता है और Q3-Q1/2 अर्ध अंतर चतुर्थक कहलाता है और यही अर्ध अंतर चतुर्थक चतुर्थक विचलन कहलाता है। और अपकिरण का ये एक महत्वपूर्ण माप है जिसे हम चतुर्थक विचलन या क्वार्टियल डेविएशन के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल QD ही है, अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म है Q फॉर क्वार्टाइल, D फॉर डेविएशन। और इसका आधार केवल और केवल चतुर्थक है, क्योंकि इसका नाम भी चतुर्थक विचलन है तो इसका आधार भी चतुर्थक ही है। तो Q3 में से Q1 को घटाकर उसमें दो का भाग देने पर जो प्राप्त राशि है वो चतुर्थक विचलन कहलाती है, अर्थात तृतीय चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक बटे दो, ये चतुर्थक विचलन है। और यदि हमें चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना है तो किसी भी श्रेणी के चतुर्थक विचलन गुणांक को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, Q3-Q1/2 / Q3+Q1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो से दो कट गया, पीछे रह गया Q3-Q1/Q3+Q1, अर्थात इसको मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चतुर्थक विचलन गुणांक का जो सूत्र होगा वो होगा Q3-Q1/Q3+Q1। और चतुर्थक विचलन का सूत्र मैंने पहले ही बताया Q3-Q1/2। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण की सहायता से ये जानते हैं कि चतुर्थक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण ले रहे हैं हम, और इस उदाहरण के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि चतुर्थक दोनों प्रकार के अर्थात Q3 और Q1, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक दोनों ही दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का पूछा जाए और चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करने का पूछा जाए तो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये सामने आपके उदाहरण है। उदाहरण है, यदि एक समंग श्रेणी का प्रथम चतुर्थक 25 है तथा तृतीय चतुर्थक 75 है तो इस श्रेणी का चतुर्थक विचलन व इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है जिसमें सीधा सीधा सूचनाएं दी हुई हैं, प्रथम चतुर्थक यानी Q1 दिया हुआ है, तृतीय चतुर्थक यानी Q3 दिया हुआ है और ज्ञात हमें करना है चतुर्थक विचलन और इसका गुणांक। तो चतुर्थक विचलन और गुणांक ज्ञात करने के लिए हम पहले सूत्र लिख देंगे और Q1 हमारे पास में 25 है, Q3 हमारे पास में 75 है। चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है Q3-Q1/2। तो Q3 75 है इसलिए और Q1 25 है इसलिए 75-25/2। तो 75-25 में अंतर 50 का है, 50 में 2 का भाग दिया 25 आया, इसलिए हमारा चतुर्थक विचलन 25 होगा। और इसी तरह से चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना हो तो सूत्र है Q3-Q1/Q3+Q1।
तो 75 माइनस 25 बटे 75 प्लस 25 तो हो जाएगा 50 बटे 100, और 50 में 100 का भाग देने पर 0.5 यानी हाफ़ आधा उत्तर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो उत्तर प्राप्त होंगे इस दिए हुए उदाहरण के लिए, चतुर्थक विचलन होगा 25 और चतुर्थक विचलन गुणांक होगा 0.5। अब हम आगे चलते हैं और एक उदाहरण लेते हैं जो कि इस प्रकार का है। ये प्रश्न मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद सबसे पहले हम तय करेंगे कि ये जो प्रश्न है वो किस श्रेणी का है, उसके अकॉर्डिंग हमको हल करना पड़ेगा। क्योंकि पहले वाले प्रश्न में सीधा Q1 और Q3 दिया हुआ होता है, लेकिन जब Q3 और Q1 दिया हुआ है तब तो हम सीधा प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र लिखकर सूत्र में उनकी संख्या लिख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा। लेकिन यदि सीधी श्रेणी दी हुई है और चतुर्थक नहीं दिए हुए हैं, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक हमको ज्ञात करने हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वो चीज़ रिमाइंड करनी पड़ेगी जब हमने चतुर्थक ज्ञात किए थे। जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जब मैंने पढ़ाए थे उस समय मैंने चतुर्थक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि चतुर्थक मध्यिका की तरह ही निकाले जाते हैं, क्योंकि किसी भी समंक श्रेणी के बीच की जो स्थिति होती है वो मध्यिका होती है, और पहला क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा 25% हिस्सा चतुर्थक वन होता है, यानी चतुर्थक फर्स्ट Q1 होता है, और 75% हिस्सा मतलब 3/4 हिस्सा जो होता है वो Q3 होता है, अर्थात तृतीय चतुर्थक होता है। Q2 जो है वो M होती है, मध्यिका होती है। इसलिए जिस तरह से मध्यिका ज्ञात की जाती है ठीक उसी तरह से चतुर्थक ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे मध्यिका में n/2 होता है वहाँ पे n/4 हो जाएगा Q1 के लिए, और Q3 के लिए 3/3 n/4 हो जाएगा। इसी तरह से हम हल करेंगे। और एक सामने जो आपके उदाहरण दे रखा है, ये उदाहरण मैंने KL नागर की किताब में से लिया है। इस प्रश्न में लिखा है, दो निम्नांकित दो श्रेणियों में अपकिरण की तुलना चतुर्थक मापों द्वारा कीजिए, अर्थात हमें चतुर्थक के माप ज्ञात करने हैं, चतुर्थक विचलन भी ज्ञात करना है, चतुर्थक विचलन गुणांक भी ज्ञात करना है, और इसके द्वारा हमको अपकिरण ज्ञात करनी है, अर्थात अपकिरण के लिए हमें चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है, ऊंचाई इंचों में 58, 56, 62, 63, 64, 65, 59, 62, 65 और ब में है भार पौंड में 117, 112, 127, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 108। ये प्रश्न सामने दिया हुआ है। अब सबसे पहले ये समझेंगे हम कि इसमें दो पंक्तियाँ दी हुई है, लेकिन ये दो श्रेणियाँ हैं अलग अलग, इसलिए ये किस प्रकार की समंक श्रेणी है, यह व्यक्तिगत समंक श्रेणी है। और व्यक्तिगत समंक श्रेणी में हमें क्या करना है, प्रश्न इतना सा दिया हुआ है, अब हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हमें दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग चतुर्थक वन चतुर्थक थ्री ज्ञात करने पड़ेंगे, अर्थात श्रेणी अ के लिए भी हमें Q1 और Q3 ज्ञात करना है, उसके बाद Qd ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात चतुर्थक विचलन ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से श्रेणी ब के लिए भी चतुर्थक एक और चतुर्थक तीन यानी Q1 और Q3 ज्ञात करना होगा, उसके बाद में Qd यानी चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है, उसके बाद में चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम संख्या के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इससे ये जो प्रश्न है ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं जमा हुआ है, और ये चूंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी का है तो बिखरे हुए समंक हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी मध्यिका ज्ञात की जाती है या फिर चतुर्थक ज्ञात करने होते हैं तो ऐसे में हमको सबसे पहले इन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखना होता है, अर्थात या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रश्न को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में जमा लिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जमा लिया है। तो ऊंचाई जो सबसे छोटी है
उस संख्या से लेते हुए बड़ी की साइड में बड़े, 55, 56, 58, 59, 60, 61 से लेते हुए 65 तक, और इसी तरह से भार 106 सबसे छोटा है, 106, 108 से लेकर 132 तक हमने जमा लिया। और उसके बाद हम Q1 और Q2 अलग अलग, Q3 अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो A श्रेणी के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, A श्रेणी के लिए हम पहले ज्ञात करें तो Q1 का सूत्र होता है साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो कुल कितने पद हैं, 11 पद हैं, कुल 11 पद है, इनको हम गिन के देख सकते हैं। और वैसे यहाँ क्रम संख्या में जमा रखा है, लास्ट क्रम संख्या ही हमारा n होगा। तो n+1/4th आइटम अर्थात 11+1/4 पद, ये 4वां पद जो है वो 12 में 4 का भाग दिया 3, यानी 3वां पद, तीसरा पद है 58, अ श्रेणी में 58 हमारा Q1 होगा। ठीक इसी तरह से यदि हम इसकी देखें, ब श्रेणी के लिए, तो Q1 11+1/4 यानी तीसरा पद, तो ये हो जाएगा 112। तो ए श्रेणी के लिए Q1 आया है 58 और बी श्रेणी के लिए Q1 आया है 112। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं Q3 किस तरह से ज्ञात किया जाता है। हमें पता है Q3 इस तरह से ज्ञात किया जाता है, Q3 साइज ऑफ 3n+1/4th आइटम, दोनों श्रेणियों के लिए सूत्र तो वही रहेगा। अब हम लिखते हैं 3n 11 है इसलिए 11+1/4, तो 12 को 3 से गुणा किया तो आ गया 36, 36 में 4 का भाग दिया आया 9, अर्थात 9वां पद। अब इसमें भी 9वां पद और इसमें भी, अ श्रेणी में 9वां पद है 64 और ब श्रेणी में है 127, अर्थात हम दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग लिख देंगे। एक तो 64 आया है अ के लिए और ब श्रेणी के लिए आया है 127। ये अब हमारे पास में Q1 और Q3 दोनों श्रेणियों के लिए आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए श्रेणी के लिए चतुर्थक विचलन ज्ञात कर लेंगे। तो चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Q3-Q1/2। तो Q3 कितना है, 64 है ए श्रेणी के लिए और 58 है Q1 अ श्रेणी के लिए। तो 64-58/2, ये देखिए, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ सीधा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात किया गया है। तो चतुर्थक विचलन गुणांक, यदि हम चतुर्थक विचलन भी ज्ञात करना चाहें तो 64-58/2, तो ये हो जाएगा आपके 6/2, यानी कि 3 इसका उत्तर आएगा। श्रेणी अ के लिए यदि हम देखना चाहें कि क्या होगा चतुर्थक विचलन, तो 64-58/2 = 6/2 = 3 हमारा चतुर्थक विचलन होगा। और विचलन गुणांक के लिए सूत्र होता है Q3-Q1/Q3+Q1, तो ये 64-58/64+58 यानी 6/122, और इसका जो 6 में 122 का भाग देने पर जो राशि आएगी वो होगी 0.049। इसी तरह से श्रेणी ब के लिए 127 Q3 है और 112 Q1 है, तो 127-112 + 112 तो 15/239, 15 में 239 का भाग दिया तो उत्तर आएगा 0.063, अर्थात दोनों का जो अपकिरण है उनमें जो राशि कम आ रही है वो अ में आ रही है, अर्थात ऊंचाई के लिए अपकिरण कम है, विचलन कम है और इसके भार में विचलन अधिक है, अर्थात अपकिरण अधिक है। इस तरह से हमारा निष्कर्ष होगा। इस व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।